हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। ये मैंने 1 किलो के आसपास तरबूज ले लिया है। ये बहुत बड़ा पीस था, इसको मैंने इतना निकाल लिया है। अब इसको काट के तैयार करेंगे। तरबूज गर्मियों में बहुत फायदा करता है। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो तरबूज खाइए तो पानी की कमी दूर होती है, पानी की कमी नहीं होती है। आप पीस काट के तो हमेशा खाते होंगे, कभी कभी पीस खाने का मन नहीं रहता है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाते हैं। बीच का हिस्सा निकाल लेना है, जो लाल वाला पोर्शन है उसी को निकालेंगे। ये देखिए कितने आसानी से कट जा रहा है। जिसका ऐसे ही तरबूज खाने का मन ना हो तो इस रेसिपी को बना के दीजिए, सभी को पसंद भी आएगी और फायदा भी करेगा। ये देखिए कितनी आसानी से बीज का पोर्शन निकल आया है। जो रह गया है उसको इस तरह से निकाल लेते हैं। अब इनके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तरबूज आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब पीस छोटे हो गए हैं, अब इनको डालेंगे एक बड़े बर्तन में। अब तरबूज को एक मैशर से मैश कर लेते हैं। वैसे आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में धीरे धीरे रोक रोक के चलाइए, नहीं तो बीज पिस जाता है। किसी वजन चीज़ से मैश करिए, तभी अच्छे से मैश होता है। अब ये देखिए तरबूज अच्छे से मैश हो गया है, पूरा रस निकल आया है। अब ये रेशा रेशा रह गया है, अब इसको छन्नी से छान लेंगे। अब इसको हटा देते हैं। अभी थोड़े से बड़े छेद की छन्नी है, इसी से छानेंगे। एक बाउल में रख लेंगे इस तरह से। मिक्सी में पीसिए तो ये रेशा भी अच्छे से पीस जाता है, बस थोड़ा सा झाग निकल आता है, देखने में कम अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। अब इसको दबा देंगे जिससे इसका रस निकल जाए नीचे सारा। अब ये देखिए सारा रस निकल गया है, इसमें कुछ नहीं बचा है। इस तरह से बनाएंगे तो तरबूज का कलर नहीं बदलता है, रस एकदम बहुत अच्छा निकलता है, कलर भी अच्छा रहता है। अब रेशे को हटा देंगे। तरबूज को मैंने पहले से फ्रिज में रख दिया था तो इसका रस ठंडा निकला है। ठंडा ना रहे तो आप इसमें आइस क्यूब डाल दीजिए या फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में इसको रख दीजिए। अभी रस को और टेस्टी बना लेते हैं। 2-3 पिंच काली मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार काला नमक, थोड़ा सा पुदीने का पाउडर। पुदीने का पाउडर बनाना बहुत आसान है। पुदीने को सुखा लीजिए, हाथ से मसल दीजिए तो पाउडर बन जाता है। छलनी से चाल दीजिए तो उसकी लकड़ी निकल जाती है। अगर आपको पुदीना ना पसंद हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं, बहुत लोगों को पुदीने की खुशबू नहीं अच्छी लगती है। अब इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस, नींबू मेकर से निचोड़ देते हैं। जब भी आपका तरबूज के पीस खाने का मन ना हो तो आप इस तरह से रेसिपी को बनाइए, बहुत टेस्टी भी लगेगी और बहुत फायदा करेगी। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मीठा पसंद हो तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल लीजिए, तरबूज तो ऑलरेडी मीठा होता है, चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको मीठा पसंद हो तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, या फिर फ्रिज में रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, जिसे अच्छे से ठंडा हो जाए। इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करना है, तभी पीने में अच्छा लगता है। अब इसको ठंडा ठंडा सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फायदेमंद गर्मियों का तरबूज का शरबत बनके तैयार है। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।